आज मैं एक कहानी लेकर के आया हूँ, और ये जो कहानी है वो गैलीलियो के बारे में है। और आपको ऐसा लगता होगा कि गैलीलियो की कहानी नासिर अचानक से लेकर के आ गया। हमको ऐसा लगता है कि ये कहानी से आप बहुत ज्यादा चीजें सीख सकते हैं, ठीक है, और अपने जिंदगी में उसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो गैलीलियो है कौन? 1600s में वो इटली में रहते थे, और बहुत बड़े इन्वेंटर, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, आपको फिजिसिस्ट माने जाते हैं। आप जानते होंगे इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया है, इन्होंने मिलिट्री कंपास को इन्वेंट किया है, इन्होंने उस समय के टेलीस्कोप को काफी ज्यादा इंप्रूव किया था, और बहुत सारी चीजें बताई थी। लेकिन मेन जो इन्वेंशन है उनका, उस समय जुपिटर पे 4 मून बताया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता था लोगों को उस समय कि अर्थ पे तो एक ही मून है, लोग रिसर्च कर रहे हैं लेकिन तभी अर्थ पे एक मून है, और सब प्लैनेट्स पे बहुत बहुत ज्यादा मून थे। तो मैं क्यों घूम रहा हूं मून के तरीके से जुपिटर के कहानी के आसपास, क्योंकि मैं इसी के कहानी के बारे में इस कहानी में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि उस समय इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आता था लोगों के पास कि एक आदमी बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वेंट कर रहा है। अभी तो बैंक्स हैं, लोन्स का है मामला, तो अगर कोई बहुत ज्यादा जो तेज आदमी है या बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड आदमी है कुछ भी चीज स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उस समय ऐसा था नहीं, उस समय इस तरीके का सिस्टम नहीं था। तो क्या होता था उस समय, जैसे कोई आदमी बहुत तेज है, इन्वेंट करता है, तो उसको अपने रिसर्च को या और कुछ चीजें इन्वेंट करनी है, तो वो जो इन्वेंट करता था वो जाकर के उस समय के डायनेस्टी के राजाओं को जाकर के गिफ्ट कर देता था। और उससे फायदा क्या होता था, उस आदमी को लोग जानते थे कि अरे, और उसके बाद से उस समय के राजा जो हैं उनको फिर से कुछ दूसरी चीज गिफ्ट कर देते थे, और फेमस होने की वजह से उस आदमी को बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाते थे। यही जो सिस्टम वो आगे चलता था, उसके वो स्टूडेंट थे, उसको वो स्टूडेंट थे, उसके वो स्टूडेंट थे। लेकिन गैलीलियो के जो स्टूडेंट्स थे उस समय, उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, और बहुत जो है ना पैसे वाले कोई स्टूडेंट नहीं थे जिनको वो पैसा दे पाए और गैलीलियो आगे रिसर्च जो है ना वो जो है आगे बढ़ा पाए। तो गैलीलियो के पैसे की प्रॉब्लम थी। तो आप अब सुनिए कि गैलीलियो ने अपने पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे खत्म की। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने से पहले गैलीलियो ने इससे पहले बहुत बार एक ही मिस्टेक की थी। वो करते क्या थे, उन्होंने एक चीज को इन्वेंट किया और उसके बाद से उसके बारे में एक कहानी लिखी, एक बुक लिखी, यूजर मैनुअल। कौन यूज करता है, कौन देखता है, कौन पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। लेकिन उस समय लोग, क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा पहली बार इन्वेंट हो रही है ना, तो लोग इसको बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे। तो क्या किया और क्या करते थे पहले गैलीलियो, गैलीलियो ने एक इन्वेंट किया एक चीज, फॉर एन एग्जाम्पल, और ये बात हुई है, गैलीलियो ने मिलिट्री कंपास को इन्वेंट किया और उसके बाद से उसके बारे में एक कहानी लिखी। मिलिट्री कंपास को जो इन्वेंट किया, तो ये वाला जो है गिफ्ट दे दिया दूसरे राजा को, ठीक है ना, ड्यूक ऑफ गोंजेला को ये गिफ्ट कर दिया, उनके तरफ से एक गिफ्ट मिल गया। और उसके बाद से फिर इसके बारे में बुक लिखी और मेडिसी डायनेस्टी को गिफ्ट कर दिया, उनके तरफ से गिफ्ट मिल गया। लेकिन यही चीजें बार बार हो रही थी, लेकिन गैलीलियो को पैसे की प्रॉब्लम थी। अब पैसे की प्रॉब्लम कैसे दूर की जाए भाई, पैसे हमेशा गिफ्ट मिल रहा है, आप दे रहे हैं गिफ्ट मिल रहा है, दे रहे हैं गिफ्ट मिल रहा है, लेकिन अगर रिसर्च को आगे बढ़ाना है और चीजें इन्वेंट करनी है तो पैसे की जरूरत थी। कैसे दूर किया जाए, गैलीलियो ने अगले बार ऐसा किया, जब उन्होंने इन्वेंट किया, उनको पता चला, क्योंकि वो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे और टेलीस्कोप के बारे में, और उस समय का जो मैंने आपको बताया कि रिसर्च भी कर रहे थे, टेलीस्कोप को काफी ज्यादा इंप्रूव भी किया था उस समय, उन्होंने मेडिसी डायनेस्टी को सेलेक्ट किया कि अच्छा ठीक है, जो भी मैं इन्वेंट करूंगा उन्हीं को दूंगा, ठीक है, तो अगर ज्यादा चीज दूंगा और दूसरे तरीके से दिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मेडिसी डायनेस्टी जो है कॉसमो नाइम के आदमी ने स्टार्ट की थी, ठीक है, मतलब आप मान लीजिए कि राजा था डायनेस्टी का और उसके 4 बेटे थे। और कैसे बात बनाई, जब गैलीलियो को पता चला कि जुपिटर के 4 मून है, तो क्या दिमाग लगाया, बात समझिए आप, कॉसिमो, जुपिटर, 4 मून, 4 बेटे, कॉसमो के 4 बेटे थे। हालांकि उस समय जब ये कहानी हो रही थी, जब दिमाग में चल रही थी बात गैलीलियो के, जो मेन कॉसमो था, कॉसमो दिवन, वो मर चुके थे और उनके बेटे जो थे, वो जो 4 बेटे से एक बेटा जो था वो राजा था मेडिसी डायनेस्टी का। तो जो राजा था कॉसमो द सेकेंड, गैलीलियो गए उसके पास, उनको गिफ्ट किया, गिफ्ट क्या किया, नॉलेज गिफ्ट की, और उनको जाकर के बोल दिया, बता दिया कि
आपकी डायनेस्टी को ऊपर वाले जो सबसे बड़े जो गॉड हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा लगता है पूरा कॉस्मस पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है आपकी डायनेस्टी को। अभी आप देखिए, क्योंकि ऐसी बात इसलिए गैलीलियो ने काफी ज्यादा परफेक्ट और कॉन्फिडेंट वे में जाकर के कही, क्योंकि रोमन एम्पायर से चला आ रहा था, क्योंकि अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो है प्लैनेट वो जुपिटर है, और उस समय से चला आ रहा था रोमन एम्पायर के समय से कि जुपिटर एक बहुत पवित्र चीज है। तो मेडिसी डायनेस्टी के जो उस समय राजा थे कॉसमो द सेकंड, उसको जाकर के गैलीलियो ने बोल दिया कि आपके पिताजी जो थे वो तो एकदम जुपिटर के तरीके से इतने पवित्र थे, और उसके पास चार मून हैं जुपिटर पे और आप उनके चार बेटों में से एक बेटे हैं, वाह क्या बात है। तो ये बात सुन करके कॉसमो द सेकंड इतना ज्यादा खुश हो गया गैलीलियो से, इतना ज्यादा कि अपने कोर्ट रूम का ऑफिशियल फिलोसोफर और मैथमेटिशियन गैलीलियो को बना दिया। समझिए बात आप, कितना चतुराई से अकलमंदी से गैलीलियो ने ये काम किया। फुल सैलरी जो है वो कॉसमस द सेकेंड गैलीलियो को दे रहा था, फिलोसोफर और ऑफिशियल मैथमेटिशियन बना ही दिया जो मैंने आपको बता दिया। तो ये तो सोने पर सुहागा वाला काम हो गया। और ये मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूं, इससे आप क्या सीखिएगा, नेवर डिसरिस्पेक्ट हु इज जो है ना जो उस समय का सिस्टम चला रहा है, कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लॉ इन द बुक ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर जो मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले एक जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं उस वीडियो उस बुक के बारे में डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। सो ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और कितनी ज्यादा चीजें हम लोग सीख सकते हैं। आपके घर में आपके पिताजी हैं, पिताश्री हैं, नेवर डिसरिस्पेक्ट देम, नेवर डिसरिस्पेक्ट हिम, ही इज द मास्टर ऑफ योर हाउस, है ना। यही है फर्स्ट लॉ कि नेवर डिसरिस्पेक्ट योर मास्टर। That means that कि उनको हमेशा रिस्पेक्ट देते रहिए और उनको समझाते रहिए कि यू आर द मास्टर। क्योंकि प्रॉब्लम कब आ जाती है मैं आपको समझाता हूं, इसमें प्रॉब्लम तभी आ जाती है जब आप डिसरिस्पेक्ट करने लगिएगा ना, और जब आप तेज बनने लगिएगा अपने मास्टर के सामने, जो कहानी मैं आपको बताऊंगा कुछ और कहानियां आगे वीडियोस में, तो एनवी आ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऑफिस में है, आपके कोई सीनियर मैनेजर है, आप मैनेजर हैं, आपके कोई सीनियर मैनेजर हैं, उनके सामने आप जा करके, उनसे भी बड़े कोई मैनेजर होंगे उनके, उनके सामने जाकर के आप सीनियर मैनेजर जो आपके मैनेजर हैं उनकी बुराई कर दिए, बुराई भी नहीं किए अपनी तारीफ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो जो आपके सीनियर मैनेजर हैं उनको एनवी लगेगा ना, वो थोड़ा जेलस फील करेंगे ना, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उनको आपके बराबर बना दिया जाए, या जो है आप उनके बराबर चले जाएं। तो जब आपका वक्त आएगा देन यू विल ग्रो। आपको कभी भी अपने मास्टर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, यही मैंने सीखा है, और इस लॉ को और आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जिंदगी में, और रिस्पेक्ट योर मास्टर्स ये भी आप कह सकते हैं दूसरे तरीके से। सो यही सब कहना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग अगर आप सिर्फ सुन ही रहे हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रिस्पेक्ट एवरी वन, रिस्पेक्ट योर मास्टर। बाय 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 बाय।